की बात कहनी है तुझसे। के है तेरे दिल की बात बता। यार कल है ना तने आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाई। क्या ये है तेरे दिल की बात? अरे ना बात तो और भी है पर दिल से निकट ना रही। बता दे मैं सुनना चाहती हूँ क्या है तेरे दिल की बात। सच में सुनना चाह रहे तू? हाँ। यार एक बात बता, कल मैं सोया ना सोया हर रात में? तू कैसी कैसी बातें करे। अरे दिल की बात बता, दिल की बात सुनना चाहती हूँ मैं तेरी। ये सब बातें ना सुन रही। यार दिल की बात तो मैं कहना चाहूँ पर बता ना निकट ना रही, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि निकट जा कैसी। और सच में मुझे कुछ कहना है तुझसे। 20 मिनट हो लिए तेरे से ना होने का दिल का इजहार। अभी रुक मुक्कू को फोन लगा। रहने दे अभी करूंगा, थोड़ा सा सांस सा जोड़ रहा हूँ कि कह दूँ। अरे यार पुलिस चल चल। सामान चेक करो, कुछ चोरी तो नहीं हुआ है? साहब मेरा फोन भी है, मेरी फाइल भी है, सब कुछ है। जब गाड़ी यहाँ है तो चोर भी आसपास ही होंगे। आओ सर्च करो। मैं तुझे कह रही थी चल चल चल, लेकिन ना तेरे तो दिल की बात ही खत्म ना हो रही थी। अब अगर पिताजी पूछेंगे तो मैं तो कह दूंगी तेरी वजह से हुआ सब। सिखा तू यहाँ? साहब जी जानते हो आप इन्हें? वो अरे हाँ वो लाल लजी नहीं है, उनके पड़ोसी मुकेश अंकल, वो उनकी बेटी है ये और ये उनका नौकरना है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो हम ओहो प्यार मोहब्बत का मामला चल रहा है, जाओ यहाँ से। ची 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 ची, कितना बुरा समय आ गया अपनी नौकर के साथ। उस दरोगा को मेरा नाम कैसे पता चला? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आज वो ना होता तो हम दोनों जेल के अंदर होते। अब अगर इसने घर जाकर बता दी कि गाड़ी मेरी वजह से हाथ से निकल गई तो वो लोग मुझे घर में बंद कर देंगे और फिर मेरे असली शरीर से मिलने के चांस और कम हो जाएंगे। अरे नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए पर क्या करूं क्या करूं। रुक तो सही, मुझे अपने दिल की बात कहनी है। अब भी कोई कसर रह गई है? आज तेरी वजह से हम दोनों जेल में होते। मैं तुझसे बहुत प्यार करूं और तुझसे ब्याह करना चाहूं। राजू तू सच में? हाँ सच कह रहा हूं। चलो बच गया, अब मेरी गलती ना बताने की है यू, बस मेरा शरीर वापस मिल जाइयो, बाकी राजू अपने आप भुगतेगा इसे। पुलिस आ गई थी, तन्ने गाड़ी रोकी क्यों थी माँ? वो मेरा पिसाब आ गया, इस मारा गाड़ी रोकनी पड़ी। अरे तो कुछ देर रोक ना सकता था क्या? पिताजी मुझे लगी थी, मैंने कहा था राजू को गाड़ी रोकने को, राजू तो मना ही कर रहा था, गलती मेरी है। गलती तेरी ना है, गलती मेरी है जो तुझे अपने साथ काम करने दिया। जिंदगी में एक भी काम तने ठीक करा आज तक, तू केवल घर का काम करने लायक है। चल जाकर चाय बना, आज से केवल 3 ही चंडाल है। चल रही ने दारू वाली बोतला का नशा होने।
नांदी तो नुए रोंदा ना तो कई दिन बाद बताई दिखे या बात। मम्मी खाना खा लिया? हाँ बेटे खा लिया। सब्जी कैसी लगी? बहुत अच्छी बनाई था ना सब्जी तो। पापा आपको? मैं तो बेटी जब तक तेरे हाथ की खाल लगा जब तक पेट भर के खा रहा इन्हें ना बनाई कदी बढ़िया। हाँ वैसे खा ले तो दो कटोरी मांग मांग के दोनों आपस में ऐसे ही लड़ते रहो। दूध ले आओ। लिया बेटी। जरूरी बहू के आगे मेरी बुराई करनी? इसमें की बुराई हो गई थी तलवार मार दी मैं तेरे। लो पापा दू। अच्छा। अरे जीतू की भी पता कुछ किस टाइम तक आवेगा? मुझे नहीं पता। तो तू बेटी एक काम कर उसका दूध और रोटी अपने कमरे में धर ले जब वो आवेगा जब ही खा लियो दोनों। ठीक है मम्मी। लड्डू बना दू थार नहीं हो? हाँ एक काम करिए तो वो सामान मुझे लिखवा दिए और मैं लेता हूँ फिर बना दिए। जी तू आज फिर पी का आ गया दिखे तू। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। और सब बढ़िया? अरे के बढ़िया मेरा। आ मेरे दोनों बैठा जा आइए आ। पिताजी कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशान कर रहा हो ना तो उसकी माँ का जूता। हो जा चुप का। बेशरम तेरा न रही लिहाज शरम। रोज की रोज सटक के आ जा तू। हैं उस दिन यहाँ चोर बढ़ गए तन्ने इतनी पी रखी तेरे में वे चोर न पकड़े गए। कहता तू सुधर जा मान जा तू तन्ने कर दे मेरा जन्म दुखी। तो मां नौकरी ना करूं? मैं नू कह रही हूं मान जा सुधर जा तू। इस पीने की वजह तेरी नौकरी है? नौकरी और ना तो के पिताजी मन ने एक चोर पकड़ा। मन ने उससे पूछी
कि तू चोरी क्यों कर रहा है भाई। तू मेरे से बोला मैं शराब पी के चोरी को जा मन गई भाई, मैं अब एक महीने तक डेली तुझे शराब पी के दिखाऊंगा और फिर तू देखिए मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ या बेईमानी से। पिताजी मैं ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदार आदमी। भाई इनने तो सब उलट पलट कर दिया। अरे बेटी मीना से ले जा ठाकर अंतर था मेरे दौरे से। इन्होंने तो रोज रोज का ड्रामा बना रखा है। उठ जा पर कुजा, बेशरम तेरा ना रही लिहाज। देख लो कैसे बहाने बना रहा दारू पीने। तू ही मेरी जांच के बिना तेरा ही लाड लाई हूँ। घर के चोर तो इस पर पकड़े ना गए, वहां पकड़ लिया एक चोर इसने। लो बाबा खाना। अलर्ट निरंजन, ले आए बेटा भोजन। हाँ बाबा। बेटा आप इस गांव में इकलौते हो जो मेरी सेवा करते हो, बाकी लोग सेवा तो दूर मुझे पीटते हो रहे। बाबा तुम भी इस गांव में इकलौते हो जो जानते हो मेरी स्थिति क्या है, और वो राजू पता ना मेरे मीना के साथ ऐसा वैसा ना करते वे। अलर्ट निरंजन बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस बात का तुम्हें डर है उसी बात का उसे भी डर है। कभी वो लोग तुम उनके उसके साथ, समझ रहे हो ना बेटा। और यू शिकार कालू कैसा आ गए। हाँ राजू, तू यहाँ क्या कर रहा भाई। मैं तो नुई बाबा धोरा वैसी आ गया। ओहो तू इस पाखंडी तांत्रिक के चक्कर में आ गए दिखे। मैं नहीं कह रहा हूँ, चला जा मेरी आंखों से, मुझे गुस्सा ना दिला नहीं तो यही भस्म कर दूंगा। ओ तांत्रिक तू कुछ भस्म भस्म ना करने का, तू मेरे से यही प्रसाद लेगा अभी। बाबा ये बालक बुद्धि है, इस बालक की ओर से मैं माफी मांग रहा हूँ। आप खाना खाए। ठीक है बच्चा, तू कह रहा इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो अभी बता देता मैं। बाबा जी माफी। कालू के कर रहे तू, दो मिनट चुप हो जा। बाबा मेरा हाथ देखकर बताना, मैं जिससे प्यार करती हूँ मेरी शादी उसी से होगी। बाबा खाना खा रहे हैं, बाद में बता मांगे। अला की रंजन बच्चे, नहीं खाना हम बाद में खा लेंगे, पहले हाथ को पढ़ लेते हैं। ले कन्ना हाथ। क्या हुआ बाबा जी। हाँ भोले, हाँ कन्या, उससे तो तेरा भी मुश्किल होगा क्योंकि उस पर तो संकट मंडरा रहा है। अला की रंजन। बाबा जी संकट टालने का कोई उपाय तो होगा। उपाय तो है बच्चा, पर तू कर पाएगी। बाबा जी आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। ठीक है तो आज रात को मेरे घर आके अला की रंजन। थरकी बुढ़े, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो पूरी हो जान दो। मेरी बात तो छोड़ो यार, अला की रंजन रहने दो, मर जाएगा। हेलो, ठीक है ठीक है। आज के बाद इस गांव में दिख मत जाइए, जहां मिलेगा ना वही पिटेगा। अरे रहने दो, मुक्कू का फोन आया, घर बुला रहे हैं, चलो चलो। अब साले दही तोड़ गए। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लेते, मैं तो नहीं कह रहा कि रात को मेरे घर आके उसके नाम का हमन करवा दिए। अरे बहुत मार गए भाई। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हाँ भले अलख निरंजन। मीना जाओ चाय बना लो। खुल गई आंखें, उतर गया नशा। चाय भी अपनी सिखा से ही बनवा लो, जो दारू पिला सकती है वो चाय भी पिला सकती है। सिखा? कौन सिखा, क्या कह रही है। वही सिखा जिसके साथ दिन रात गुलछर्रे उड़ाते फिरते हो,
नशे में बड़बड़ाते रहते हो, मेरी सिखा मेरी सिखा। क्या कह रही है? सिखा सिखा रिया? वो चोर मुझे सिखा रिया था, मैंने कही तू मुझे सिखा रिया, तो बस वही वाली सिखारिया वाली बात होगी। ऐसा कुछ नहीं है, तू बिना बात मेरे ऊपर शक कर रही है, बिना बात का बहम मत पाला कर। सच? हाँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सॉरी। जाओ चाय बना लाओ। बेटा राजू दरोगा बनकर मजे तो बहुत हैं, पर साथ में यू मुसीबत भी गले पड़ गई, कैसे झेलता होगा इसे भगवान ही मालिक है। आज तो बच गया। राजू सिखा बुराओ दोनों। इस बैग में 2 लाख रुपए हैं और एक पर्ची है, वह पर्ची बनाइए कालू ने। कालू तो मैंने किसी काम तो भेजा बाहर। इस बैग में जो पर्ची है ना, पर्ची के नाम के आगे जितने पैसे लिखे हैं उस आदमी के घर उतने पैसे छोड़ने हैं। तो मैं दोनों को जाओ ना। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो अब चंडाल का हिस्सा ना हूँ ना, मैं तो बस अब इस घर का काम करूंगी। तू गुस्सा बहुत करती है, इतनी सी थी जब, इतनी छोटी थी जब, जब तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई थी, जब से ही तू इन चंडालों का हिस्सा है गुस्सा बहुत करती है। तुम यूँ सोच रहे हो कि तुम्हारी इन बातों में मैं आ जाऊंगी? मैं ना जाने की, मैं बस पैसे देकर आ जाऊंगी और कोई काम ना कर रही की फिर। अरे चल इतना तो कर, आगे की आगे देखी जाएगी। काम बड़ा मंदा चल रहा है आजकल, तुम दोनों के बस की भी कुछ नहीं है। मैं तुम्हें इतने दिन हो गए, मैं कोई बकरा तो ढूंढ कर लाओ। सर ये हम कोशिश तो कर रहे हैं पर वो पर क्या, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, देख लिया मैंने। तुम यहीं पड़े रहो, तुम बाहर को जाओ, लूट करके लाओ यार, कुछ पैसे तो लेके आओ यहाँ पे। अबे यहाँ लेगा इसको। सर ये बुरे चोर है, इसने आसपास के लोगों का जीन आराम कर रखा है, ये बहुत ही सादिर चोर है, आज बड़ी मुश्किल से हत्या चढ़ा है। ए, क्या कह रिया? पे हमसे भी ज्यादा साथी रहे, तो तने अच्छा किया कि तुझे पकड़ लाया। तू एक काम कर, जंगल ले चाय ले जा, इसे मैं देखता हूं। ठीक है सर। साहब आपका छोड़ दो, जीवन में कभी चोरी नहीं करूं जी। नीचे बैठ। देख भाई भूरे, मुझे चोरी करने वाले आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरी बात सुन, मैं चोरों को जेल में नहीं सीधी गोली मारता हूं। साहब आज छोड़ दो। देख मेरे गुस्से को शांत करने का एक ही तरीका है। साहब ये तरीका ना, मैं कभी चोरी ना करूं, मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। साहब मुझे छोड़ दो। भाई क्या कह रिया है? चोरी तो खूब कर, लेकिन मेरा गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका है, पैसा। अरे सर तो ऐसे बोलो ना, तुमने तो मुझे डरा दिया, बताओ क्या लोगे मेरी रिहाई का? अरे भूरे भाई कुर्सी पे बैठो ना। केवल 75,000 रुपया। अभी लो सर। हेलो आमूले। अरे नहीं यार, यहाँ बैठा हूँ चौकी में। अच्छा सुनो, एक काम कर, 75,000 रुपये लेके चौकी पे आ जा, साहब से मेरी बात हो गई है, तू आ जा बस। आ रहा सर। क्या बात है भाई भोरे, तू तो वाकई में बड़े कमाल का आदमी है। हैं? लो सर। क्या चाय लेकर आए? तो गर्म पानी पिला रहा है, ना मीठा ना सीठा ना अदरक, जा ढंग से तसल्ली से बनवा कर लेगा, पकड़ इसे। एक काम बताओ, वो भी नहीं होता तुमसे, पर चाय तो ढंग की बनाकर पिलवा दिया करो। मैं कहाँ रहेगा तेरा आदमी, आदमी मुझे तो सही नहीं लग रहा, समझ रहा? साहब क्यों चिंता कर रहे, 2 मिनट में पहुंचने वाला। राम राम साहब। राम राम। ये लीजिए आपका पैसा। बे पूरे भी हैं? अरे गिन लीजिए साहब। अरे नहीं 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 यार, पूरे भाई पे पूरा भरोसा है। तुम एक काम करो, जाके खुल के चोरी करो। हाँ मेरा हिस्सा टाइम पे पहुंचाते रहना, समझ रही हो ना?
हैं? जाओ। ठीक है साहब, आपका हिस्सा टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम। पैसा गिन गया। ले पकड़। ले पकड़। और एक काम करिए, ये बाकी के गाड़ी में रख दवा दे। चल। ऐसा हुआ है काम, समझ रही हो? आहा, क्या चाय बनवा के लाया? मैं पहले वाली चाय में तो बिल्कुल नहीं स्वाद था। जाए सर, भूरे कहाँ हैं? क्या कह रहा है ये? अबे कौन भूरे, सुबह सुबह पी ली दिखा है तुमने। सर ये तो बहुत गलत बात है, मैं बड़ी मुश्किल से भूरे को पकड़ के लाया था और आपने पैसे लेके उसको छोड़ दिया। देखा तेने देखा था ना कि भूरे ने पैसे लेके छोड़ दिया। क्या कह रहा है? ठीक है सर, इस बात का फैसला एसओ साहब करेंगे, मैं अभी फोन मिलाता हूँ। बात बात पे एसओ बता रहा तो क्या चाह रहा है ये बता पहले। बताएगा ऐसा वो तो ऐसा का चमचा बन रहा है। देखा था ना मुझे पैसे लेके छोड़ते हुए उसको, बकवास कर रहा। और बात सुन, आज के बाद में अगर ऐसे वो फोन करके बताए ना मुझे मेरे बारे में तो साले देख लूंगा तुझे, बता रहा हूं। जगा मुझे ना, मैं खराब कर रहा, आता जाता कुछ है नहीं, मुझे बात बता रहा। मैं तुम क्या मेरे सिर पे खड़े हो गए? जाओ काम देखो कुछ। साले सारे गधे यहीं इकट्ठे हो रहे हैं। रुक 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 रुक। बेटा चॉकलेट चाहिए? तो ये बंडल अंदर दे के आना होगा। ठीक है दीदी। चल आगे। बेटा चॉकलेट चाहिए? तो ये बंडल अंदर दे के आना होगा। चल बाइक मोड़। क्या चल रहा है? यू पैसे क्यों बांटती फिर रही है पूरे गांव में? इन्होंने कर्जा ले रखा दिखे है, इसी तो पूछता हूँ कुछ तरकीब लगा के। तूने बाइक क्यों रोक ली? क्या हो गया? अरे मुझे कुछ ना हुआ, मैं नू कह रहा हूँ ये पैसे बांटते फिर रहे हैं, इन पैसे ने शहर ले चलते और तेरा सूट साड़ी और अन्य सामान खरीद कर ले आते और मुँह कुक के पता पड़ रही और छोरी के तो शौक हो। ये तेरा दिमाग खराब हो गया के? तू भूल गया दिखे हम लोगों का चंडाल बनके लोगों को लूटने का क्या मकसद था? आज अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा और गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा। हमें इस अमीरी गरीबी का तो ही अंतर पूरा करने के लिए चोरी करना शुरू करी थी, ताकि जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है उसका पैसा चोरी करके जरूरतमंदों को देना। और तुझे याद ना पिताजी ने क्या कही थी? हमारा कम से कम 100 गांव का लक्ष्य है इस अमीरी गरीबी का अंतर खत्म करने का, और अभी तो कम से कम 20 गांव भी ना हो तेरा अभी सही मान डोल गया। मुझे तो अब अपने आप पे गुस्सा आ रहा, तू इतना मतलब ही कैसे हो सके? मैंने सपने में भी ना सोची थी, मैंने तुझसे प्यार ही क्यों किया? अरे मैं तुझे चेक कर रहा, कभी तू अपने लक्ष्य के काम को भूल गई हो। लड़कियों में होवे है ना शॉपिंग सूट ये चीज खरीदने की, मैं सोच रहा तेरा लालच आ गया होगा, पर तू अपने ईमान की पक्की निकली। अरे तेने सच्चे इंसान से प्यार करा है। बच्चा काम को पाखंडी, तू फिर से यहाँ आ गया, भाग यहाँ से। रंजन बालिके, मैंने कई बार कहा है इससे इतना चिपक के ना बैठे कर, ना एक दिन पछताओगी। अलग रंजन, मैं इसे चिपक के बैठूं या ना बैठूं तेरे से मतलब? अलग रंजन,
ना मानती तो जान दे, एक दिन पछताओगी। चल राजू यहाँ से। राज रंजन। रंजन नादान है, बच्ची है, बुद्धि नहीं है, भोले नाथ इसे बुद्धि दे। बेइज्जती अपमान, तेरे भक्त का अपमान है, तेरे भक्त का। अंतर्यामी है तू, आ नीचे उतर, समझा इसे। अलर्ट परिंग कर दूंगा, अलर्ट परिंग कर दूंगा सब। अब हर हर महादेव, जय श्री शंकर। अब सब भोले की। वैसे सर आपसे एक बात कहूँ, जितनी मौज आपने दिवाई ना इस चौकी में, आज तक किसी ने ना दिवाई। बहुत बढ़िया आदमी हो आप, बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे बहुत पसंद हो आप सर। सही कह रहा तरुण भाई, तू सही कह रहा, बहुत मौज करवाई सर ने। बहुत बढ़िया आदमी हो सर, सच कह रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ, मजाक मत समझना। अरे यार तरुण जी, अर मंगलू तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो यार। सर बहुत, तब मुझे सर मत कह करो यार, तब मुझे जीतू कह करो, जीतू, समझ रही हो? अरे सर बहुत अच्छा। गस्त का टाइम होगा, चले। अबे सर इसे भगाओ, ये रोज हर काम में टांगड़ा है, इसका यही काम है। तो बात कर रही हूँ। ठीक है सर। हाँ भाई, क्या गस्त गस्त लगा रहे यार तू, ये बता। साहब बहुत गलत कर रहे हो आप, एसओ साहब को जवाब भी देना पड़ेगा आपको। जा रहे हैं सर। बे एसओ साहब को जवाब तू देगा, हम देंगे। मेरी बात सुन, तू जा गश्त पे और हम यही है, यहाँ भी तो कोई चाहिए। जाना खड़ा चल। बहुत बढ़िया आदमी सर, जवाब ना है सर का कुछ भी कहो। और बताओ सर, मैं नमकीन वमकीन तो मंगा लेता, वो अंदर रखा था कमरे में। अरे नहीं यार, तुम दुखी मत हो बिल्कुल भी। सर आपके रहते दुखी कैसे हो सके हम? नहीं ये बात तो सही कह रहा तरुण, तू जब तक मैं इस चौकी में हूँ ना, तुम खुल के खेलो, खुल के नंगा नाच करो सर, कोई कुछ नहीं कह सकता। जब से सर तुम आए हो, जब ते तो जीना सीखे हैं हम, नहीं तो अब तक जो इतने दरोगा आए, समय अपनी गुलामी करवाई गुलामी। एक पैक और लो। भाई मंगलू। जी सर। जीतू तुम यार मुझे है ना, मेरे घर छोड़ जाओ। ठीक है जीतू, चल चल। मैं सर खड़े हो जाओ। रुक जा, मैं मोटरसाइकिल ले आऊं। लक्का कहाँ खड़ी? खड़ी तो यहीं करी ही। आराम से जाइए, ले आओ जल्दी ले। सर आराम से रुक तो जाओ। सर मैं लगाऊं? सर लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ। गिर मत जाइयो तुम, मुझे तुम्हारा ध्यान रहा है सर। मैं कभी गिर ही नहीं सकता, समझ रहा है? अबे लिया। ला रहा हूँ। लेका तू तो खुद गिरेगा। ऐसा कहना गिर जाओगे? सर आराम से। अबे रुक तो सही, क्या रखो? ये वाला भी रखो। चल तू भाई, अब तो पिया ही दे जब। अबे चल ना, देर हो जाएगी, चल साहब को छोड़ कर ना। चल ए, मुझे ना ले जा। आ गए सर आप, मैं आप ही के पास आ रहा था। क्या हुआ चंदन, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है यहाँ? कोई खास बात नहीं सर, एक अमित नाम का बंदा था, उसने मिट्टी तेल छिड़क के आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या पर क्यों? बेवकूफ था ना सर, अब मेहनत मजदूरी करके लोगों से पैसे उधार मांग के अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़े थे, अब देखो बीती रात चोरी हो गई। बेचारे के माँ बाप 2 साल पहले एक्सीडेंट में चल बसे थे सर, अब बेचारी बेटी का रो रो के इतना बुरा हाल है, क्या बताऊँ मैं आपको। एक बात बताऊँ, चोरी पता किसने की? भूरे ने। भूरे तो याद होगा ना आपको सर? अरे याद कैसे नहीं होगा सर आपको, आपको टाइम टाइम पे हिस्सा जो पहुँचाता था, इस चोरी का हिस्सा भी तो पहुँच गया होगा सर आपके पास। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हो, हिस्सा नहीं पहुँचा? क्यों टेंशन ले रहे हो आप, कोई नहीं पहुँच जाएगा, तरुण ने आपके लिए अगर शराब ला रखी होगी, जाओ पियो आराम करो। देना आपको जिसे मैं पकड़ के लाया था और आपने पैसे लेकर छोड़ दिया था? अरे याद कैसे नहीं होगा सर आपको, आपको टाइम टाइम पे हिस्सा जो पहुंचाता था। बेचारे के माँ बाप 2 साल पहले एक्सीडेंट में चल बसे थे सर, इस चोरी का हिस्सा भी तो पहुंच गया सर आपके पास। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हो, हिस्सा नहीं पहुंचा, हिस्सा नहीं पहुंचा, टेंशन ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, कोई नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा, तरुण ने आपके लिए गन्ना आपके लिए गन्ना सारा बिहार की बात है। आपका खाना बाहर लगा दिया है, पापा के साथ बैठ के खा लो। यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या बात? कोई खास बात नहीं सर, एक अमित नाम का बंदा था, उसने मिट्टी तेज छिड़क के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या पर क्यों? बेवकूफ था ना, मेहनत मजदूरी करके लोगों से पैसे उधार मांग के अपनी बेटी के लिए पैसे जोड़े थे। क्या हुआ, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। खाना नहीं खाना? हाँ तुम चलो मैं आता हूँ। खाना खा लो। मुझे पता चला है मन्नू प्रधान ना कल वापस शहर जा रहा है, पर फिलहाल उसका गांव में आने का कोई चांस नहीं है। मतलब हमारे पास आखिरी मौका है अपने अधूरे काम पूरे करने का, और वैसे भी अगले हफ्ते हमें भी इस गांव से जाना है, और आज तक ना चंडालों का कोई भी काम अधूरा नहीं रहा। मक्कू तू चिंता मत कर, चंडालों का कोई काम अधूरा ना रहा, कल की पूरी ढंग से तैयारी करेंगे। तू चाय पी चाय, और तुझे तैयारी करने की कोई जरूरत ना है, बस हम जैसे कहते जा मैं तू वैसा करता चाहिए, और अगर तेरी तैयारी के हिसाब से चले ना तो तू हमें हवालात के अंदर करवावेगा। अरे अब ना होने की गलती ले भाई। अरे भाई तरुण, इतनी मौज तो किसी दरोगा ने भी ना करवाई जितनी ये सर ने करवाई है। अरे सर मत बोल, जिप तू बोल, अब वो यार है हमारा। अरे हाँ सही कह रहा, जितनी मौत जितू ने करवाई है इतनी ना करवाई किसी दरोगा ने भी, और दरोगा ने तो हम हवलदार कम अपने पर्सनल नौकर ज़्यादा बना कर रखे हैं, यो तो हमारी गल ताश भी खेल रहे है और हमारे साथ दारू पीकर फुल मस्ती कर रहे हैं। और तू जितू ने जो बोतल मंगाई थी ले आया तू? अरे भाई मैं अपने सर जी की बात कैसे भूल सकूँ, यू दे। अरे सर मत बोल, जितू बोल, अब वो यार है हमारा। अरे मुझे तो ये ब्रांड नया सा लग रहा, जितू जो सा ब्रांड मंगावा है वो ना लाया तू? अरे अब पुराना ब्रांड पीते पीते नशा सा ना होता, तो इसलिए नया ब्रांड लेकर आया हूँ। देख ले फिर कभी जितू को पसंद ना आवे। ना आ जाओगा पसंद, कोई दिक्कत ना। क्या हो रहा भाई? अरे जित्तू आ गया तू? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? अरे जित्तू देख ना रहा, ताश खेलना है यार, डिस्टर्ब मत ना करे, थोड़ी देर में अंदर चल के शराब पीवेंगे। अरे देख तेरे ने तो नया ब्रांड लेकर आया हूँ, क्यों गुस्सा कर रहा है इतना, आज दो पोत खेल ले हमारी गेंद।
सर जी सर जी माफ कर दो। सर जी तो माफ कर दो। सर जी माफ कर दो। हेलो बेरक जितेंद्र माहौल ठीक कर रहे हैं क्या? मैं तरुण भाई मरवा दिया तो तेने मुझे लगा सर है ब्रांड पसंद ना आया नए वाला। साले मैं तुझसे पहले कह रहा था यो ब्रांड पसंद ना आया उन्हें, तुमने नहीं माननी। अरे नया ब्रांड आ रहा मैं ले आया मगर अच्छा लगेगा। अरे अपना पीने के बस यार, मैं तो ताश भी ना खेलूं। मेरी तो रुई सी धुंधी। मेरी भी धुंध रखी है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ना यार, बहुत दुख रहा बदन। के कर रहा तू यहाँ अकेले बैठ के? आज तू भी बैठ। मक्कू और कालून रोटी खा ली? हाँ खाना देख के आई हूँ, खा रहे होंगे। अच्छा एक बार बताना भूल गई, हम अगले हफ्ते ना कल ही जा रहे हैं इस गांव को छोड़ के, और कुछ सामान सुमनू तो पैक कर लिए। हाँ ये ठीक है, हम इस गांव से मन्नू प्रधान की गाड़ी में जाएंगे। अच्छा वैसे इस गांव में कैसे एक साल बीत गया पता ना चली। तुम एक साल से रह रहे इस गांव में? तम के हम, तू कभी कभी कैसी बातें करे। तू बाहर से तो राजू लगे पर अंदर से तो कुछ और ही है। अंदर से कौन लगूं? पता ना पर कुछ दिनों से तो अलग सा लगे। तू एक बात बता, पहले वाला राजू अच्छा है या अब वाला? लगा तो पहले वाला करे पर इससे भी काम चला ही लूंगी। हे भगवान क्या मुसीबत है, अब मैं इसे बता भी नहीं सकता कि मैं इसका राजू ना हूँ, और पता ना मेरी मीना किस हाल में होगी। वैसे इन लोगों को मैं पहले कितना गलत समझता था, मगर यह काम तो लोगों का भला करने के लिए करते हैं। ठीक बन रही सब्जी? हाँ सब्जी बहुत बढ़िया बन रही। खा लो। बेटी जी तू भी आ लिया, इसको भी लगा दे खाना। आप मुंह हाथ धोके कपड़े बदल लो, तब तक मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। वैसे बनाया क्या है? घिया चने की दाल। और घिया चने की दाल बनवाई भाई मन्ना अपने लिए, तू घिया चने की दाल खाता ही नहीं, तेरे लिए कोई दूसरी सब्जी बनवा देंगे। ना ना कोई जरूरत ना, जो बन रहा उससे खा लूंगा। चलते हैं दादी। सुबह रामवीर मिला था और वो बहुत खुश था और कह रहा था कि पता नहीं भगवान के किन दो फरिश्तों ने बच्चों के हाथ पैसे भिजवा दिए और साथ में चिट्ठी भी छोड़ गा, अब वो अपने बेटे को आसानी से शहर पढ़ने के लिए भेज पाएगा। मुझे भी यही मिला था रास्ते में, ये कह रहा था अपनी बेटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, और ये भी कह रहा था साथ में कि पता नहीं किन फरिश्तों ने बच्चों के हाथ पैसे चिट्ठी भेजी है, भगवान का लाख लाख शुक्र है ऐसे फरिश्तों का भला हो। अब वो अपनी बेटी की शादी ना बड़े धूमधाम से करेगा। अच्छा गांव था ना यू? अच्छा कहाँ था, अच्छा तो हमने बनाया। यू तो ठीक है लेकिन अब हम जाएंगे किस गांव में? अब हम जाएंगे मुजफ्फरनगर के किसी गांव में। राजू दोनों बाइक बेच दी भाई? हाँ बेच भी दी और सिका को पैसे भी दे दिए। बाइक तो बिक गई, तू बता जमीन का? जमीन का तो जुगाड़ मैंने दो दिन पहले कर दिया था। चलो अब सारे तैयार हो जाओ और चलने की तैयारी करो। अरे हे भगवान इसका क्या करूं मैं, जब इसे लगाने की जरूरत रहा जब तो लगाता नहीं हो। अरे गुरु से तार देव, अब हम शरीफ आदमी चोर नहीं है यार। चलो झोले वोले अपने सब थाओ सामान, चलने की तैयारी करो। हाँ तो गाड़ी प्रधान जी की मिली जाएगी, जल्दी करो। चल गांव के लोगों ने चोरी करता पकड़ा यू, अब मेरे हवाले करके गए, बताओ क्या करना है इसका। बेटा ये तो अपने साहब जी हैं, मैं तो सोच रहा पता ना कहाँ ले जा रहा, खा मखा के डरा रहा। और सर जी आज क्या लोगे मेरी रिहाई का? कितने दे सकता है तू? अरे साहब आप जितने बोलो उतने, अभी फोन करता हूँ, दो मिनट में लेके आएगा मेरा भाई। तो एक काम कर, 2 लाख रुपए मंगवा ले। बस 2 लाख? ज्यादा है क्या? अरे नहीं साहब, इतने तो मैंने परसों ही मारे।
हाँ तो मंगवा ले 2 लाख रुपए। अभी मुंह मत हेलो हाँ बोले। अरे यहाँ बैठा हूँ यार चौकी में, गांव वालों ने पकड़ लिया। ना 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 डरने की कोई बात ना, दरोगा साहब अपने हैं। अच्छा एक काम कर, तू 2 लाख रुपए लेकर चौकी में आ जा। हाँ आ जा आ जा, ठीक है। महाराज और बताइए दरोगा साहब आपकी क्या सेवा करी जाए। जो मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, यूं दरोगा नहीं सुधरा कभी। ए हवलदार 2 कप चाय लेगा और 2 गोल्ड फ्लैग। अरे भोरे भाई जो कह रहे करो ना। अरे साहब मैं सोच रहा था वो जो 2 लाख रुपए आ रहे हैं उनमें से हमारा भी कुछ खर्चा पानी मिलेगा क्या ना। अरे तुझे कल का खर्चा पानी कम रह गया क्या जो आज लेना चाह रहा। साहब जी मैं तो जा रहा हूँ चाय लेन। ओ भाई सुनिए मीठा थोड़ा रोक के। अरे साहब दरोगा हो तो आपके जैसा, ना कोई कोर्ट ना कोई कचहरी ना कोई जेल, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला। अच्छा मैं एक बात पूछ रहा था, बलात्कार के केस में छोड़ने का क्या लेते हो आप। अरे कहाँ रहेगा अभी तेरा आदमी। बस सब आने वाला होगा। दरोगा साहब। और सब मौज बहार, ये रहा जी आपका तोहफा। चंदन एक काम कर, पैसे पकड़, अमित की लड़की की शादी है वहां जाकर दिए ये। और हाँ या चैन भी दिए ये, और कोई कमी हो तो मुझे बताइए और पैसे दे दूंगा। अरे ठीक है। अरे वाह ये पत्थर दिल भी पिघल गया। अरे ये क्या दरोगा साहब, हम लोगों ने जिसके घर से पैसा चुराया आप उसी के घर पे पैसा भिजवा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, इसमें भी आप कुछ सोचे ही होंगे। तो साहब चले हम। नहीं नहीं रुको यार, चाय पी के जाना, रुको। तो साहब तेज अदर वाली चाय। नहीं यहां मत रख है, हो सकता मारपीट में खिंड जा। अरे दरोगा साहब आपके होते यहां मारपीट कौन कर रहा। कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बंद कर दारों को, खाल तार ले इनकी। इतना पिट के ही बाज ना रहे सालो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दरोगा जी ने तो कम मारा, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो खुन्नम खून कर दूंगा। दरोगा ठीक ना कर रहा भाई तू। सर आपने बिल्कुल ठीक करा, उन्हें जेल में बंद कर दिया। खुद तो लाखों रुपए चुराते हैं और हमें 1500 में टाल दें। आजकल के जमाने में हमारा इन पैसों में हो क्या रहा सर। पर आज फिर पिटवाने काम कर रहा सर, आपने सही करा दोनों ने जेल में बंद करके। आगे से जो पैसे आवे आप ही रख ले करो, हमें ना चाहिए कुछ भी हिस्सा। हाँ भाई चंदन दिया है पैसे। पैसे तो मैंने पहुंचा दिए सर, पर एसओ साहब का ऑर्डर है हमें मन्नू प्रधान को सिक्योरिटी देनी है। सिक्योरिटी देनी है क्यों सर? पिछली बार जब शहर से गांव आ रहा था तो उसका सामान चोरी हो गया था। हाँ तो वो अब फिर शहर वापस जा रहा है, तो एसओ साहब के सख्त ऑर्डर हैं कि हम उसे शहर तक छोड़ने चले। अच्छा चलो तो
वाली गाड़ी वाली। अरे आ तो रही, पर इसके पीछे तो एक गाड़ी और है। तो अब करेंगे क्या? करेंगे क्या? अब तो शायद गाड़ी लूटने का चांस नहीं है। एक काम करो, सामान उठाओ और वापिस चलते हैं। अरे नहीं, गाड़ी से ही चलेंगे। कैसे? ये मुकड़े उतारो और मेरी बात सुनो। प्रधान जी शहर जा रहे हो? अरे राजू तुम लोग यहाँ कैसे? प्रधान जी आप शहर जा रहे हो? हाँ, हमें भी छोड़ देना। ए, हेलो, एक मिनट, क्या आप जानते हैं इन्हें? हाँ जी दरोगा जी, जानता हूँ। ये मेरे ही गांव के हैं, अभी दो दिन पहले इन्होंने जमीन बेची है मुझे। ये है मुकेश, ये है कल्लू, और राजू और सीका को आप जानते ही हो। ये चंडाल कुछ ना कुछ नया कांड करने के चक्कर में है, इन्हें रोकना होगा। अच्छा तो सर फिर क्या करना है? हाँ तो दिल्ली जाना तुम्हें? जी हम लोग भी दिल्ली जा रहे हैं, दो लोग हमारे साथ बैठो। ठीक है, मुकेश और कालू तुम दरोगा जी के साथ चलो, सिका और मैं प्रधान जी के साथ चलते हैं। हाँ ठीक है। नीचे उतर गाड़ी से। राजू ये क्या कर रहा है तू? नीचे। राजू कालू और मुक्कू को इधर भेज दे, नहीं तो इस प्रधान की गर्दन काट दूंगा। ओए दरोगा, मुझे ही नहीं पता तेरे अंदर का इंसान भी एक दिन मर जाएगा। राजू तेरे अंदर का इंसान जाग गया ना, उसे जगाए रख, इन दोनों को इधर भेज। दरोगा ये तो ठीक नहीं कर रहा। यो साहब जी चोर को दरोगा क्यों कह रहा? अरे सर जी का ये नया तरीका होगा चोरों को पकड़ने का, चुप खड़ा रहे। देख इस चीज में भलाई है कि चंडाल अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। अपनी भलाई अपने धोरे रख, इन दोनों को इधर भेज, नहीं तो इसकी गर्दन काट दूंगा। दरोगा साहब भेज क्यों ना देते, मेरी गर्दन काट देगा। चंदन बंदूक नीचे कर। ठीक कह रहे हो सर, इन दोनों को इधर भेजने में भलाई है। कालू और मुक्कू गाड़ी में बैठो, और तू क्यों गाड़ी से बाहर निकल गई? तू बैठ। ए हिलना मत। चंदन तुमने बहुत अच्छा किया, हम वो ही चारों चंडाल हैं जो गांव में आतंक मचा रहे थे, हमें गिरफ्तार कर लो। ये सारे छोटे मोटे चोर हैं, चंडालों का नाम लेकर अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं। चंदन मेरा ऑर्डर है इन चारों को जान दो, और मन्नू भाई को मैं लेके आ रहा हूँ। नहीं चंदन हमें गिरफ्तार करो। चंदन मेरा ऑर्डर है इन्हें जान दो। नहीं चंदन ये दरोगा हम चारों चंडालों को भगाने की कोशिश कर रहा है, हमें गिरफ्तार कर लो। अरे मैं तेरा फूफा लगू के? चंदन झूठ बोल रहे हैं सब, मेरा ऑर्डर है इन चारों को जाने दो मन्नू भाई की गाड़ी लेकर। नहीं चंदन ये झूठ बोल रहा है, हम चंडाल हैं। चंदन मेरा ऑर्डर इन्हें जाने दो। यू क्या चल रहा मुक्कू? ये दरोगा तो हमारी भलाई करने की बोल रहा, और ये राजू साला आसन का सांप निकला, ये तो हमें गिरफ्तार करवाने में तुला हुआ है। अरे यार मेरी खुद समझ में ना आ रही, क्या चल रहा है? आलाकिरंजन क्यों सर घूम गया ना सबका? पर घबराने की कोई बात नहीं है, अब कौवा और हंस अपने असली रूप में आ चुके हैं। हाँ ये एक अलग बात है कि नियत अब दोनों की बदल गई। ओ पाखंडी फिर आ गया तू, जा भी नहीं अंत है क्या? हंस को भी गाता रहता है। आलाकिरंजन बेवकूफ चुप रह, तुझे नहीं है पता हंस मतलब दरोगा और कौवा माने राजू, इन दोनों की आत्माएं आपस में बदल चुकी थी ना, अब वापस आ चुकी हैं। के कह रहा हो? कोई आत्मा तो ना बदली, इसकी बातों में मत ना आओ। चंदन ये लोग शरीफ आदमी, इन्हें जान दे। चंदन तना ऑर्डर नहीं सुना मेरा? सर आप ये बताओ आखिर मुझे करना क्या है? हाँ इन चारों को मन्नू भाई गाड़ी लेकर जान दो, ये मेरा ऑर्डर है। मंगलू जाने दो इन्हें। अरे पर हाँ चल जाकर गाड़ी में बैठ।
चंडाल बता रहा खुद को, ऐसे हो चंडाल? अपना ना सही, अपनी वर्दी का तो ख्याल रख ले। पूरा ख्याल है मुझे अपनी वर्दी का, और क्या फर्क पड़ता है हमने वर्दी पहनी या नहीं पहनी, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। चंडालों को मैंने मदद करते हुए देखा, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गरीब लड़कियों की शादियां हो रही हैं, लोगों के घरों में उनकी वजह से खुशी का माहौल देखा है मैंने। हम कौन होते हैं गरीबों पैसे बांटने वाले? हमें बांटने हैं तो अपनी मेहनत की कमाई से बांटें। हमारी चंडालों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, हम चंडालों की वजह से बदमाश बन रहे हैं, हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, नहीं तो ये देश सब चंडाल बन जाएंगे। यो ठीक कह रहा दरोगा साहब, हमारा इरादा भले ही नेक था लेकिन तरीका तो गलत है हमारा, हमें गिरफ्तार कर लो। हाँ जी दरोगा जी, हमें गिरफ्तार कर लो, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। क्या सोच रहा है जित्तू, अब तो ये भी अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, गिरफ्तार कर ले हमें। गिरफ्तार करो चारों को। क्या भी भोरे, मैं कद बैठूंगा इसमें, कल कोई चमत्कार। आजा धरती पे, बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तेरी बहुत जरूरत है मुझे, आजा। ओ पाखंडी, ये चाबी मेरे ला। गाड़ी कहाँ मेरी, गाड़ी कहाँ है? अरे भैया मेरी गाड़ी, गाड़ी कहाँ ले जा रहा मेरी, नीचे उतर। अरे भाई मेरी गाड़ी से नीचे उतर जा। हेलो निरंजन। अरे गाड़ी चल नीचे उतर। भाई मेरी गाड़ी है भैया मेरी। अरे भाई मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी, अरे गाड़ी कहाँ ले जा रहा, अरे गाड़ी, अरे गाड़ी छोड़, मैं गाड़ी छोड़ दे, अरे गाड़ी छोड़, अरे गाड़ी छोड़ दे, अरे गाड़ी छोड़, अरे गाड़ी छोड़, अरे गाड़ी छोड़, अरे मेरी गाड़ी ले, अरे मेरी गाड़ी ले।